मूवी के स्टार्टिंग में एक आदमी को दिखाया जाता है गाड़ी में बैठे हुए। उसका नाम फ्रैंक रहता है। वो किसी चीज के लिए टाइमर सेट कर बैठा हुआ रहता है और उसकी घड़ी बजने के बाद वो वहाँ से अपनी गाड़ी लेकर निकलता और एक बैंक के सामने जाकर रुकता है। तभी दिखाया जाता है कुछ लोग बैंक के अंदर से उसे लूट कर आ रहे होते हैं और उस गाड़ी में बैठ जाते हैं। तभी फ्रैंक उनसे कहता है, डील हुई थी 3 आदमियों की 254 kg के साथ, पर तुम लोग 4 हो। और उन्हें अपनी कैलकुलेशन से समझाने भी लगता है कैसे पुलिस पकड़ सकती है। तभी जो उनका हेड रहता है एक आदमी को गोली मार गाड़ी से गिरा देता और फ्रैंक से कहता है, ये लो 3 आदमी हो गए 354 kg के साथ। तब फ्रैंक गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए कोड डालता है और स्टार्ट करके वहां से पुलिस के बगल से निकल जाता है और थोड़ा चेजिंग के बाद उन रॉबरों को डील के मुताबिक एक जगह पे पहुंचा देता है। उसके बाद वो फ्रैंक को पैसे पेट करता है पर वो डील से ज्यादा रहता है तो फ्रैंक लौटा देता है, यह कहकर डील इज डील। फिर उनके जाने के बाद फ्रैंक एक बटन प्रेस करके अपनी नंबर प्लेट चेंज करता है और वहां से चल देता है। उसके बाद एक जगह दिखाया जाता है जहां फ्रैंक रहता है और अपनी गाड़ी साफ कर रहा होता है। उसके बाद फ्रैंक को टीवी देखते दिखाया जाता है, वैसे ही डोर बेल बजता है। फ्रैंक डोर खोलता है तो एक आदमी वहां खड़ा रहता है, उसका नाम इंस्पेक्टर कोनी रहता है। और फ्रैंक को यह भी पता चलता है वो गाड़ी खोज रहा होता है जो सेम फ्रैंक से मिलती है, पर उसे ये नहीं पता रहता है कि ये वही गाड़ी है। थोड़े देर ताक झाक करने के बाद वो वहां से चला जाता है। तभी फ्रैंक को एक कॉल आता है और उसके बाद उसे एक बार में दिखाया जाता है एक नई डील फाइनल करते हुए। फिर अगले दिन उसे पार्सल एक बैग में लेते हुए दिखाया जाता है और उसे लेकर जब वो जा ही रहा होता है इतने में उसके गाड़ी का एक टायर पंचर हो जाता है। और जब वो टायर निकालने के लिए डिक्की खोलता है तभी वो बैग हिलने लगता है, पर फ्रैंक टायर निकाल कर चेंज करता है और वहां से चल देता है। और फिर उसे एक शॉप पे दिखाया जाता है जहां वो कुछ पीने के लिए खरीद कर गाड़ी में बैठ कर जाते हुए दिखाया जाता है और एक सुनसान जगह पर गाड़ी रोक वहां बैग खोलता है तो उसमें एक लड़की निकलती है, उसका नाम लई रहता है। उसे पीने के लिए देकर फिर उसे वहीं बंद कर देता है और गाड़ी चलाने लगता है। तभी वो पीछे पिटती है तो वो फिर जाके खोलता है तो लाई जो कि उस लड़की का नाम रहता है वो वॉशरूम जाने के लिए बोलती है, पर वहाँ रोड पे कुछ होता नहीं है तो फ्रैंक उसे रस्सी से बांध कर रोड के साइड के जंगल में भेजता है। पर थोड़ी देर होने पर जब फ्रैंक वो रस्सी खींचता है तो वो ऊपर चला आता है और लाई भी नहीं रहती है वहाँ। उसके बाद लाई को भागते हुए दिखाया जाता है। तभी फ्रैंक वहाँ पहुँच कर उसे फिर से बांध देता है और फिर फ्रैंक को अपने फाइनल एड्रेस पे आते हुए दिखाया जाता है जहाँ उसे लई को डिलीवर करना होता है। वहाँ उसे एक आदमी मिलता है, उसका नाम वॉल रहता है। फिर फ्रैंक उसे वो बैग देकर अपना पेमेंट लेके जाने लगता है। तभी वॉल उसे एक और काम देता है और पेमेंट भी, और वो उस ब्रीफकेस को लेके वहाँ से अपनी गाड़ी में चल देता है और रास्ते में उसे खा के अपनी गाड़ी की ओर जाते हुए दिखाया जाता है। वैसे ही उसकी गाड़ी ब्लास्ट होती है और वो थोड़ा पीछे फेंकाता है। तभी फ्रैंक उठकर वहाँ से चल देता है और वॉल के प्लेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ कुछ लोग पत्ते खेल रहे होते हैं। वैसे ही एक डोर बेल बजती है तो एक आदमी जाके देखता है, वैसे ही फ्रैंक डोर तोड़ के अंदर आ जाता है और उन सबको मारता है और वहाँ से गाड़ी के बदले गाड़ी लेकर चल देता है। कुछ दूर आगे जाने के बाद तभी लाई को उस गाड़ी में छुपा हुआ दिखाया जाता है। तब फ्रैंक उसे गाड़ी से बाहर निकाल कर छोड़ देता है, पर आगे जाने के बाद रुकता है और फ्रैंक को उसके घर में उस गाड़ी के साथ आते हुए दिखाया जाता है और लाई को अंदर लाता है और कुछ बना के उसके लिए और उसे खोल देता है और खाने को कहकर वहाँ से अपना सोने चला जाता है। तभी लाई पूछती है, क्या मैं जा सकती हूँ? तभी फ्रैंक कहता है, हाँ तुम जा सकती हो, पर वो खाना खा के वहीं सो जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और वॉल को हॉस्पिटल में आते हुए दिखाया जाता है। वो अपने आदमियों से पूछ रहा होता है कौन था, तब वो बताता है फ्रैंक था, पर वॉल कहता है फ्रैंक तो मर चुका है, पर उसका आदमी कहता है वो सच बोल रहा है, वो फ्रैंक था। तभी वॉल उसे मार कर वहां से चला जाता है और फिर फ्रैंक को ऊपर से आते हुए दिखाया जाता है और लाई को उसके घर की केयर करते हुए। तभी डोर बेल बजता है तो लाई खोलती है डोर पे, हमें पता चलता है कि वो इंस्पेक्टर टाकोनी फिर से आया हुआ रहता है जांच करने के लिए। दूसरी गाड़ी देख वो फ्रैंक से पूछता है क्या काम करते हैं आप, तब फ्रैंक कहता है वो कुक है। उसके बाद वो वहां से चला जाता है और फ्रैंक और लाई को घर में आते हुए दिखाया जाता है। और जब वो दोनों बात कर रहे होते हैं वैसे ही एक मिसाइल फ्रैंक के घर पे आके गिरता है जिसके चलते ऊपर वाला छत नीचे आ जाता है, पर फ्रैंक और लाई बच जाते हैं एक टेबल के नीचे छुपे होने के कारण। तब हमें पता चलता है कि वो लोग वॉल के कहने पे अटैक कर रहे होते हैं। तभी फ्रैंक लाई को पानी के रास्ते एक अलग घर में लेके आता है।
आता है, जहाँ दोनों में थोड़ा किस और बाकी सब चीज होती है। उसके बाद इंस्पेक्टर टाकोनी के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ फ्रैंक और लाई बैठे रहते हैं और टाकोनी के सवाल का जवाब दे रहे होते हैं। उसके बाद एक आदमी टाकोनी को बुलाता है तो वो वहाँ से उठकर चला जाता है। तभी लाई उसके कंप्यूटर से वॉल का डिटेल निकालती है, पर वैसे ही टाकोनी वापस आता है तो देखता है फ्रैंक और लाई बैठे रहते हैं अपनी जगह पे, तब उन लोगों को बाहर छोड़ देता है। उसके बाद जब लाई गाड़ी से जा रही होती है तो फ्रैंक उसके साथ नहीं जाता है, तो वो उसे मनाती है साथ चलने के लिए, पर वो नहीं मानता है और आगे बढ़ता है। वैसे ही लाई कहती उसे एक कंटेनर की तलाश है जिसमें 400 लोग हैं उसके डैड सहित, ये बस वही जानता है। उसके बाद से शिफ्ट होता है और वॉल को उसके ऑफिस में आते हुए दिखाया जाता है। जैसे ही वो अंदर आता है तो फ्रैंक उसे गन पॉइंट पे ले लेता है और लाई उसके डॉक्यूमेंट चेक करती है और कंटेनर के बारे में पूछती है। जब लाई गन लेके पूछती है, वैसे ही उसके डैड यानी लाई के डैड को वॉल के ऑफिस आते हुए दिखाया जाता है। उसके बाद उसे डैड के कहने पर वो गन डाउन करते हुए दिखाया जाता है, पर वो सब फ्रैंक को पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ ऑफिसर टाकोनी आ जाता है और फ्रैंक को वहाँ से लेके चला जाता है अरेस्ट कर। उसके बाद फ्रैंक से पूछते हुए टाकोनी को दिखाया जाता है सवाल और फ्रैंक उसे बताता है कि ये लोग एक कंटेनर में लोगों का स्मगलिंग कर रहे हैं, पर वो विश्वास नहीं करता है। उसके बाद फ्रैंक ऑफिसर को समझाता है और फिर दिखाया जाता है फ्रैंक टाकोनी को गन पॉइंट पे रख कर उस रूम से बाहर निकलता है और गाड़ी से एक पोर्ट पे पहुंचता है और ऑफिसर के सहारे एक बोट से वहां से निकल जाता है। उसके बाद फ्रैंक को गन के साथ कंटेनर ढूंढते हुए दिखाया जाता है, जहां उसे दिखता है वाल एक व्हीकल वाले को कुछ डॉक्यूमेंट देकर वहां से निकलने के लिए बोलता है। उसके बाद दिखाया जाता है लाई को जो अपने डैड के आदमियों से घिरी हुई रहती है और उसे लेके जब जा रहे होते हैं, तभी फ्रैंक का सामना एक आदमी से होता है जिसे फ्रैंक गोली मार देता है। और तभी वाल को पता चल जाता है कि फ्रैंक यहां आ गया है और वो जाके फ्रैंक से थोड़ा सा फाइट करता है और उसके बाद फ्रैंक को अपने आदमियों के हवाले कर देता है और वहां से चला जाता है। तभी फ्रैंक उन सब को मार कर एक कंटेनर पे चढ़ जाता है। तभी देखता है कि वॉल अपने आदमियों के साथ जा रहा होता है। उसके बाद वो भी उसी कंटेनर पे कूद जाता है जो वॉल के साथ जा रहा होता है, पर उस कंटेनर को चलाने वाला ड्राइवर फ्रैंक को देख लेता है। तभी फ्रैंक नीचे जा रहे एक बस पे कूद जाता है, जिसका पीछा कर वॉल के लोग एक बस के गोदाम में पहुंचते हैं जहां बहुत सारा बस लगा हुआ होता है। वहां फ्रैंक उन सब से लड़ाई करता है और सबको मारने के बाद वहां से चला जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और फ्रैंक को एक कार चलाते हुए दिखाया जाता है, पर वो कार रास्ता में खराब हो जाता है। उसके बाद उसे एक छोटा सा प्लेन दिखता है तो उसकी तरफ वो दौड़ता हुआ चला जाता है और गन पॉइंट पे उसे चलाने के लिए कहता है। उसके बाद वॉल और उसके साथियों को दिखाया जाता है एक हाईवे पे, जहां फ्रैंक भी उसके ऊपर से वो प्लेन से जा रहा होता है और उस पायलट को कहता है एक नाम लिखा हुआ पेज देख के इन लोगों को कांटेक्ट कर बोलो मिलने के लिए। तब वो पूछता है कहाँ, तो फ्रैंक कहता है यहाँ और कूद जाता है प्लेन से और जा खड़ा होता है एक कंटेनर पे और उसके पैराशूट से गाड़ी लिपट कर ब्लास्ट हो जाती है। तभी फ्रैंक वो कंटेनर अपने कब्जे में ले लेता है। उसके बाद वॉल और लाई के डैड को फ्रैंक पे गोली चलाते हुए दिखाया जाता है और वॉल पीछे से उस गाड़ी पे चढ़ जाता है। तभी फ्रैंक से फाइट कर उसे गाड़ी से गिरा देता है, पर फ्रैंक उस गाड़ी के नीचे लटका हुआ रहता है। तभी लाई के डैड उस पे गोली चलाते हैं। तभी फ्रैंक एक रूल उठा के लाई के डैड के ड्राइवर को मारता है, जिससे कि वो गाड़ी डिसबैलेंस होकर साइड में जा एक पेड़ से टकरा जाती है। उसके बाद फ्रैंक आगे से कंटेनर पे चढ़कर वॉल के पास जाके उसे गाड़ी से गिरा देता है और एक जगह पे रोकता है। तभी लाई के डैड उसे गन पॉइंट से बाहर ला के एक पहाड़ के किनारे पे ले जाते हैं और जब उसे मारने वाले रहते हैं, वैसे ही लाई अपने डैड को गोली मार देती है। उसके बाद टाकोनी अपने फोर्स के साथ वहां आ जाता है और सब लोगों को कंटेनर से निकाल लिया जाता है। यहां मूवी का एंड हो जाता है।